डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर टू फ्रैक्शन स्टार्ट. द फ्रैक्शन, व्हाट इज द फ्रैक्शन? द फ्रैक्शन इज ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ए अपॉन बी, राइट? वेयर ए इज न्यूमेरल एंड बी इज डिनोमिनेटर. सो चैप्टर टू स्टार्ट. फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है एक नंबर. द नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P upon Q are known as fraction. The numbers in the form of p upon q are known as fraction. For example, two upon three, five upon four, one by two, three upon five, etc. And here P and Q are natural number. P here P and Q are natural number. And P say that numerator and Q say पी को हम कहते हैं न्यूमिनेटर एंड क्यों कहते हैं डिनोमिनेटर. न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो भी होंगे और ये नेचुरल नंबर होने चाहिए, ठीक है? पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए सभी, पी की वैल्यू भी और क्यों की वैल्यू भी. और क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड ऑल्सो क्यों इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो जीरो तो होगा ही नहीं, ठीक है ना? तो यहां से देखो, अब टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन में हम कुछ फ्रैक्शन लेंगे. नंबर एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, नंबर फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में होंगे जिनमें जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से स्मॉल होगा, ठीक है? तो न्यूमरेटर क्या होगा? वो स्मॉल होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है? न्यूमरेटर जो होगा वो स्मॉल होगा डिनोमिनेटर से. फॉर एग्जाम्पल, टू अपॉन फाइव, थ्री अपॉन एट, वन अपॉन फोर, एफ. सेकेंड होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर, इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो नोमिनेटर होगा वो ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर से, ठीक है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इसका अपोजिट है, फाइव अपॉन टू, एट अपॉन थ्री, फोर अपॉन थ्री, तो आंसर और कुछ गलत है, ठीक है, थर्ड टाइप होता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन द न्यूमरल विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ इंटीजर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होते हैं? मिक्स फ्रैक्शन होते हैं जिनमें हम इंटीजर्स का सम को लिख सकते हैं, इंटीजर्स का सम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं, टू राइट वन अपॉन टू, थ्री राइट वन बाई सेवन, फोर राइट नाइन अपॉन टेन, ये सब क्या है? ये सब मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। नंबर फोर डेसिमल फ्रैक्शन, नंबर फोर होता है लाइक फ्रैक्शन, जो इम्पोर्टेंट है बस उन्हीं फ्रैक्शन को लिख पाएंगे, बाकी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है, उनको आपको नॉर्मल तरीके से याद रखना है। लाइक फ्रैक्शन होते हैं जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल होता है, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं जिनमें डिनोमिनेटर इक्वल होता है। फॉर एग्जाम्पल थ्री अपॉन टेन, वन अपॉन टेन, सेवन अपॉन टेन, ये सब क्या है? ये सब लाइक फ्रैक्शन। सेकंड एग्जाम्पल इसका लें तो ये हो सकता है फाइव अपॉन सेवनटीन, नाइन अपॉन सेवनटीन, एटीन अपॉन सेवनटीन, ये सब क्या है? ये लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। नंबर फाइव अनलाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल, ठीक है, यानी कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वन बाई टू, फाइव अपॉन सिक्स, नाइन अपॉन इलेवन, फाइव अपॉन फोर, ये सब क्या है? ये अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इन फ्रैक्शन टाइप ऑफ फ्रैक्शन में आपको ये पांचों याद रखने हैं। फिर टाइप इसके लिखवाए हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में होंगे जिनमें न्यूमरेटर स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ग्रेटर होगा और डिनोमिनेटर स्मॉल होगा, फोर दिस। और मिक्स फ्रैक्शन सो एज द वी राइट द सम ऑफ द इंटीजर, ठीक है, so टू राइट वन अपॉन टू, थ्री राइट वन अपॉन सेवन, फोर राइट नाइन अपॉन टेन एंड सो ऑन, ये मिक्स फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन एज नो डिनोमिनेटर आर इक्वल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस आर लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन आर द डिनोमिनेटर आर नॉट इक्वल, कर लो, ठीक है। वन बाई टू, फाइव पॉइंट सिक्स, नाइन पॉइंट इलेवन, सी आर अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है, दीज आर अनलाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इन सबको सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना।